देख रहे हैं कितनी ज्यादा तेज है जल की धारा, देख रहे हैं जल की धारा कितनी ज्यादा पारदर्शी है। अंदर के जो पत्थर है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे, इतनी ज्यादा जल अभी पारदर्शी हो चुकी है, नीला हो चुकी है। ये जो ब्रिज है काफी पुराना ब्रिज है अंग्रेजों के जमाने का, और ये ब्रिज काफी कम उपयोग में लाया जाता है जब कोई ज्यादा भीड़। हाय दोस्तों, हरहर गंगे नमामि गंगे, अभी आप माँ गंगा के लाइव दर्शन कर रहे हैं। देख रहे हैं हवाई गति कितनी तेज है, आज काफी तेज धूप है और अभी सुबह 11 बजे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या आप देख रहे हैं, घाटों में अब भीड़ बढ़ने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि आप घाटों में कब प्रवेश करें, अभी यहाँ की टेम्परेचर क्या है और धूप कितने समय तक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलते हैं, आपको एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो दृश्य देख रहे हैं ये है प्रमुख घाट का दृश्य, जहाँ पे श्रद्धालु की संख्या डुबकी लगा रही है और धूप जस्ट अभी ही आया है, जिसकी वजह से लोग अब आ रहे हैं। अधिकतर श्रद्धालुओं को ये उम्मीद होती है कि धूप 10-11 बजे तक आ जाएगा, फिर हम गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और संध्या की आरती में सम्मिलित होंगे। तो चलते हैं, आपको संपूर्ण घाटों की दृश्य दिखाते हैं। ये है मालवी घाट, जहाँ पे आपको काफी सारे चेंजिंग रूम मिलेंगे बने हुए, और आप सबसे रिक्वेस्ट है चेंजिंग रूम का ही उपयोग करें, हमारे माता और बहनों से ऐसे खुले में कपड़े। अभी हम पहुँचने वाले हैं हर की पेड़ी, यही वो घाट है जहाँ पे आप संध्या की आरती के लिए बैठे होते हैं। ये पूरा घाट में श्रद्धालु बैठते हैं आरती के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे गंगा जी की आरती के दर्शन आप करते हैं। ये महिला घाट है, ये वाली घाट महिला घाट है, यहाँ पे आपको चप्पल जूते बाहर यहाँ पे जूता स्टैंड पे रख के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। ये प्रवेश का द्वार है, और दूसरा द्वार है इधर, इधर से भी आप एंट्री कर सकते हैं। और ये है ब्रह्मकुंड, जहाँ पे अमृत के कुछ बूंद गिरे थे और यहाँ पे स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा होता है बाकी घाटों के तुलना में, क्योंकि मेन जो घाट है यही है। देख रहे हैं पूजा की विधि यहाँ पे हो रहा है, देख रहे हैं पूजा पाठ यहाँ पे किया जा रहा है। अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि, ऐसे सेपरेट घाट है अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि कराने के लिए, वो है नई घाट, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये है नई घाट, अस्थि प्रवाह घाट है ये। ये देख रहे हैं, ये है संजय सेतु, जो कि प्रमुख सेतु है यहाँ का, और इधर से होकर सीधे आप ऋषिकेश बाईपास भी जा सकते हैं, और इधर से होकर सीधे आप ब्रह्मकुंड की ओर जा सकते हैं। देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे डुबकी लगा रही है, और सुबह के 11:30 लगभग हो चुके हैं, हवा काफी तेज है और लाइट अभी भी जल रहा है। काफी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है हर की पैड़ी हरिद्वार का। अभी हम जा रहे हैं बाहर की ओर, हर की पैड़ी से ऋषिकेश बाईपास की ओर, देख रहे हैं इधर जैसे जाएंगे थोड़ा थोड़ा भीड़ अब कम होते जाएगा। ये है धनुष सेतु, जो कि प्रमुख सेतु है ऋषिकेश बाईपास को हर की पैड़ी से जोड़ने का। देख रहे हैं कितनी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, फिर से जल अब नीला होते हुए नजर आ रही है, और माँ मनसा देवी की सुंदर दर्शन टेम्पल के आप कर रहे हैं। काफी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। यह है नई घाट, जो हम दूर से भी दिखा रहे थे, यहीं पे ही अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि किया जाता है। एक ऐसा घाट है जहाँ पे आपको 12 महीना भीड़ मिलेगा, और हर की पैड़ी के पास यही एक प्रमुख घाट है जहाँ पे अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि किया जाता है। इसके बाद एक कुशा घाट है, फिर आप कंखल में जाएंगे सीता घाट में, वहां पे भी अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि किया जाता है।
देख रहे हैं दोनों किनारों में भीड़ काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे जल की धारा भी काफी तेज होती है, तो आपको स्नान करते वक्त सावधानीपूर्वक स्नान करना होगा। ये आप देख रहे हैं नई घाट का दृश्य। बैरियर के अंदर स्नान करें जंजीर पकड़ के, क्योंकि जंजीर यहाँ पे लगी हुई है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है कि यहाँ पे कपड़े पॉलिथीन जल में ना फेंके। देख रहे हैं श्रद्धालु की संख्या भी कितनी ज्यादा आ रही है, भीड़ अब आना स्टार्ट हो रही है। चलते चले राम राम बोलते, राम राम जी राम राम। ये देख रहे हैं जल अब काफी नीली हो चुकी है, पारदर्शी है और काफी ज्यादा तेज है। यहाँ से सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, इधर श्रद्धालु की संख्या स्नान कर रही है और माँ गंगा की धारा काफी तेज गति से बह रही है। और ये है शिव सेतु, जहाँ पे कुछ दुकान भी आपको छोटे छोटे सजे हुए दिखाई देंगे। घाटों पे हवाई गति काफी तेज होती है, ठंडा काफी तेज लगता है हरकी पैड़ी के आसपास के एरिया में, क्योंकि जल की धारा तेज होती है। देख रहे हैं जल की धारा इतनी ज्यादा पारदर्शी है, अंदर की जो पत्थर है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। इतनी ज्यादा जल अभी पारदर्शी हो चुकी है, नीला हो चुकी है। ये जो ब्रिज है काफी पुराना ब्रिज है अंग्रेजों के जमाने का, और ये ब्रिज काफी कम उपयोग में लाया जाता है जब कोई ज्यादा भीड़ हो या फिर इमरजेंसी हो, जैसे कुंभ के दौरान उपयोग में लाया गया था। देख रहे सुंदर दृश्य। देख रहे हैं कितनी ज्यादा तेज है जल की धारा। अभी हम शिव घाट की ओर जा रहे हैं, शिव घाट से सीधे हम जाएंगे ये जो ब्रिज है इसके पास, यानी हाथी वाला ब्रिज है इस ब्रिज का नाम।